मैं कुछ यादव आपके लिए एक खड़ा हूँ एक नया वीडियो। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए स्टार्टअप से रिलेटेड न्यू वीडियो लेकर आऊँगा एवं उसकी स्ट्रेटेजी भी बताऊँगा कि आप उसे कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो मैं आज स्पेशली फॉर यंगस्टर्स के लिए एक ऐसा स्टार्टअप या ऐसा बिजनेस प्लान लेकर आया हूँ जिससे वह बिना विदाउट इन्वेस्टमेंट बिना एक रुपये खर्च किए अपना, बहुत सारे लोग जो बाहर पढ़ने जाते हैं स्टूडेंट्स मेरी तरह, तो वो उनका एक ही रहता है कि वो घर वालों से ज़्यादा पैसे नहीं मंगाना चाहते हैं, वो अपने खर्चे खुद उठाना चाहते हैं। तो जो भी यंगस्टर्स अपनी कॉलेज लाइफ में स्टूडेंट लाइफ में या जो कॉलेज पार भी कर चुका है जॉब या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, तो अगर वह अपना खर्चा खुद उठाना चाहता है तो उसके लिए बिजनेस प्लान बहुत अच्छा है। अगर वह इसको करता है तो वह अपनी आमदनी खर्चा आराम से निकाल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में बताऊंगा ब्रोकरेज से रिलेटेड, मतलब ब्रोकरिंग से रिलेटेड। आपने बहुत सारे ब्रोकर सुने होंगे, रियल एस्टेट ब्रोकर एंड बस वाले होते हैं, कार ब्रोकर, इस टाइप से बहुत सारे ब्रोकर होते हैं। तो आज हम स्टूडेंट्स के लिए और यंगस्टर्स के लिए वीडियो लेके आए हैं, तो आज हम बताएंगे रियल एस्टेट ब्रोकर के लिए। तो जैसा कि अपन देखते हैं कि जैसे जो भी बाहर पढ़ने जाता है स्टूडेंट, उसको रूम ढूंढने से रिलेटेड बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को रूम नहीं मिलते हैं, जैसे कुछ फर्स्ट ईयर में न्यू स्टूडेंट जाते हैं, न्यू शहर जाते हैं, अपने गांव से दूर पढ़ने जाते हैं, तो उन्हें रूम ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत समस्या होती है और उन्हें रूम नहीं मिलता है। तो आप इससे रिलेटेड, इस चीज़ से रिलेटेड आप एक ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आप अपनी खुद की भी हेल्प कर सकते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं जो बाहर से यहाँ पढ़ने आए हैं दूसरे शहर में या उन्हें रूम नहीं मिल रहा है और वो रूम के लिए भटकते रहते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अगर आमदनी करना है इससे बिजनेस प्लान से, तो आपको जिस शहर में आप कॉलेज पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको न्यू रूम जो रेंट पर रूम देते हैं घर वाले, उन रूम रेंट रूमों की जानकारी लेकर रखना है, उन रूम मालिकों का नंबर लेकर रखना है, ठीक है। ये आपको सबसे पहला काम करना है कि आप जब भी, मतलब आपको क्या करना है कि रूम रेंट, जितने भी रूम रेंट अवेलेबल हैं, रूम रेंट पर अवेलेबल है आपके सिटी पे, जहाँ पर कोई बंदा पढ़ाई कर रहा जहाँ पर आप पढ़ाई करने का हो या आपका पर्सनल शहर है, तो वहाँ पर आपको ऐसे रूम्स ढूंढ कर रखना जो रेंट पर अवेलेबल हैं। आप ऐसे 4 से 5 स्टार्टिंग में, बिजनेस की स्टार्टिंग में 4 से 5 ऐसे रूम ढूंढ कर रख लीजिए जो अभी रेंट पर अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको ये काम करना है। दूसरा आपको ये काम करना है कि आपको खुद का एडवर्टाइजमेंट करना होगा कि आप ये काम करते हैं। आप 2-3 तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। एक आप अपने स्कूल कॉलेज में ये जानकारी दे सकते हैं कि किसी को अगर रूम चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसे रूम दिला दूंगा, ये एक कम ब्रोकरेज पर आप उसको रूम दिला देंगे, ऐसा आपको अपने स्कूल में ये बात फैलानी होगी, कॉलेज में ये बात फैलानी होगी या जहाँ भी। एंड दूसरी चीज़ आप कंप्लीट छपा सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं, 2 रुपये का एक फ़ोटो कॉपी होती है 2-3 रुपये की, तो आप एक पंपलेट निकलवाइए, वहाँ पर आप लिखवाइए कि रूम रेंट पर अवेलेबल हैं, संपर्क करें इस नंबर पर वगैरह वगैरह, और अपना नाम और अपना एड्रेस अपना नंबर लिख दीजिए। जो जिस भी बंदे को, जिस भी लड़के को या लड़की को आपका रूम रेंट पर चाहिए होगा वह आपसे कांटेक्ट कर लेगा। आपको ऐसे, जैसे आपको रूम कहाँ ढूंढना है, आपको किसी भी कॉलेज से, किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज से 3 से 4 किलोमीटर के अंडर का रूम रेंट पर ढूंढना होगा ताकि स्टूडेंट्स को भी पास लगे वो एंड वो वहाँ से कॉलेज आ जा सके। तो आपको जैसे कहीं भी एक कॉलेज उससे 2-3 किलोमीटर के अंदर पर आपको रूम अवेलेबल कराना होगा स्टूडेंट्स को, तो आप ऐसे 5 से 6 कॉलेजेस एवं एंड स्कूल के सामने के गेट के बाहर या आसपास अपने पंपलेट लगा दीजिए कि हम रूम रेंट पर उपलब्ध कराते हैं। तो जिस भी आदमी को, लड़के को क्या होगा, ज़रूरत होगी रूम रेंट पर लेने की, तो आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। जब वो आपसे कांटेक्ट करेगा तो आपको पहले उसको रूम दिखाना, उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना ताकि आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़े, एंड जब भी उस लड़के को रूम रेंट पर लेने की ज़रूरत पड़ेगी या फिर उसके किसी दोस्त की ज़रूरत पड़ेगी तो आपसे कांटेक्ट कराएगा। आपको ये काम कर लेना, एक बार आपने किसी भी पर्टिकुलर इंसान को रूम रेंट पर दे दिया तो आप पहले आप बात कर लीजिएगा कि ब्रोकरेज लगेगा आपका। तो जैसे आपको बहुत सारे ब्रोकर ऐसे रहते हैं जो 50% रेंट के 50% लेते हैं अपने उसका ब्रोकरेज के रूप में, लेकिन आपको स्टार्टिंग में ऐसा नहीं करना। अभी आप एक छोटे ब्रोकर हैं, आपको स्टार्टिंग में 10 से 15% ही ब्रोकरेज लेना। जैसे आपका रूम है कितना, 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये रेंट का आपने किसी लड़के को रूम रेंट पे दिलाया, तो आपका उससे 10 से 15% वो लेना है ब्रोकरेज चार्ज 500 से 700 रुपये के बीच में।
इससे आपकी गुडविल भी बढ़ेगी और आपका एक सामने वाला, अगर आप उससे अच्छा बिहेव करोगे, आप उसे कम दाम पर अपना अपनी क्वालिटी अपने प्रदान करोगे, तो वह भी आपकी एडवर्टाइजमेंट कर देगा, वो अपने दोस्तों को बताएगा कि ये भैया हैं, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर लो, ये आपको रूम रेंट पर उपलब्ध करा देंगे। तो आपको एक अच्छा बिहेवियर रखना है, एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करना है, सभी कॉलेज और कॉलेजों के सामने अपनी पंपलेट छपवाना है, या आप अगर आप चाहें तो आप किसी स्पॉन्सर से अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या इंस्टाग्राम के थ्रू। जैसे बहुत से पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर सिटी का खुद का एक पेज होता है इंस्टाग्राम पेज, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उन्हें थोड़े बहुत पैसे देकर अपने एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूम रेंट पर जहाँ जहाँ उपलब्ध है उसकी जानकारी निकालना है, कॉलेज से 2 से 3 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए हर एक कॉलेज से, एंड उसके बाद आपको एडवर्टाइजमेंट करना है। एडवर्टाइजमेंट के बाद आपसे जो भी रूम रेंट पर लेगा उसे उससे अच्छे से बिहेव रखना है, एंड उससे ज़्यादा नहीं 10 से 15% ही ब्रोकरेज लेना है। मान लो आपने 5,000 रुपये का रूम रेंट पर किसी को दिलाया तो उसमें आपको 500 से 1,000 रुपये आपका कमीशन बन जाएगा, यही आपकी इनकम होगी। आप ऐसा अगर यही काम अच्छे से कर सकते हैं तो आप हर साल कॉलेज में हजारों बच्चों, 10 से 1,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं, उनमें से बहुत कम भी लोग आपसे अगर रूम रेंट पे लेंगे तो आपका टर्नओवर बहुत अच्छा जाएगा। तो एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइडिया यंगस्टर्स के लिए एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो अपना खर्चा खुद निकालना चाहते हैं। तो विचार कीजिएगा इस आइडिया पर, और अगर आप इस आइडिया करते हैं तो अपने बहुत जैसी सावधानी से मैंने आपको बताया सब A to Z वही स्टेप्स फॉलो करना। सबसे नंबर 1 स्टेप्स क्या है, आपको रूम रेंट पर जहाँ जहाँ वो उसकी जानकारी निकालना है, डिटेल्स निकालना है, और ये रूम हर एक कॉलेज से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब के अंडर हो, ज़्यादा दूर फिर लोग रेंट पे नहीं लेंगे ना, तो 2-3 किलोमीटर के अंदर पर हो। देन फिर आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है अपना, स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ मैं, जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करोगे तब देन आपको क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। आप कॉलेज के बाहर पंपलेट लगा सकते हैं, आप कॉलेज में जानकारी दे सकते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब के थ्रू अपना अपने एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, तो आप एक परफेक्ट ब्रोकर बन जाओगे। एंड स्टार्ट में आपको बार बार बता दूं कि 10 से 15% ही ब्रोकरेज देना, तब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा। तो यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रोकरेज के लिए, ये एक अच्छा बिजनेस आइडिया कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए एंड यंगस्टर्स के लिए जो भी खाली बैठे, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो शायद ये भी हो सकता है आप इससे बड़ी कंपनी भी बना सकते हैं ब्रोकरेज की। तो कैसा लगा आपको ये बिजनेस आइडिया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही न्यू स्टार्टअप्स आइडिया लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।